हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तानी सलवार की कटिंग करने के बारे में बताऊंगी। हम इसको स्ट्रेट सलवार भी बोलते हैं। आज हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड, इसके लिए यहाँ पर जी मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। तो ये 2.25 मीटर में भी बन जाती है, इसकी लेंथ के पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जी मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है। फ्रेंड्स, मैंने इस 2.5 मीटर कपड़े को इस तरह फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, ऐसे ये बंद वाली साइड मेरी वाली साइड है और ये इधर वाली खुली वाली साइड है। तो ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे मैं इस सारे कपड़े को ऐसे लंबाई ऐसे बीच में से फोल्ड कर दूंगी। तो इसके बाद इसको मैं ऐसे फोल्ड कर लूँगी ऐसे। ये देखिए, ये हमारी इस तरह से ये ऐसे हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये दोनों तय हैं हमारे पास। हमने जो बंद वाली साइड है वो अपनी तरफ रखनी है और जो खुली वाली साइड है उसको हमने बाहर वाली साइड रखना है ऐसे। ये देखिए जी, मैंने पूरे कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, ऐसे फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स हम अपनी मार्किंग शुरू करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपने ऐसे कपड़े पर सीधी लाइन लगा लेनी है, इसको बिल्कुल सीधा रख कर लेना है। तो इसके बाद हम यहाँ पर 2 इंच जो हमने ऊपर फोल्डिंग के लिए रखना है उसका मार्क करते हैं ऐसे। तो इसके बाद हमने जो अपनी लंबाई रखनी है उसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से अपनी जितनी भी सलवार की लंबाई रखनी है जहाँ से मैंने शुरू कर लिया है, ये जो ऊपर है 2 इंच मैंने फोल्डिंग के लिए रखा है। तो जहाँ से हम अपनी लंबाई जितनी हमें चाहिए उतनी मार्किंग कर लेंगे। मुझे 40 इंच लंबाई में सलवार तैयार चाहिए, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो आप भी अपनी सलवार की लंबाई के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई रख लीजिए। फ्रेंड्स, लंबाई की मार्किंग करने के बाद हमने आसन की मार्किंग करनी है। हमने इधर वाली साइड जो हमारी तरफ थी, इसके ऑपोजिट जो दूसरी साइड है वहाँ पर हमने ये आसन की काट डालनी है। जहाँ पर ये मैंने आसन की लंबाई 13.5 इंच ली है, तो 13.5 इंच जहाँ से लेकर हम जहाँ तक रख लेंगे, और इस तरफ ये मैंने 2 इंच लिया है हमारी जो आसन की काट डालने के लिए। तो ऐसे आप भी आसन की काट डाल लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम मोरी का निशान लगाएंगे। इस सलवार की मोरी थोड़ी खुली होती है, तो यहाँ पर ये मैंने 7 इंच मोरी ली है, 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। तो ऐसे आप ये मोरी का निशान लगा लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपने जो हमने मोरी का निशान लगाया था यहाँ पर ये हमारी मोरी है, तो इस निशान से हमने इस निशान को आपस में मिला देना है। आपके पास अगर जी स्केल नहीं है तो ऐसे भी आप मिला सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने स्केल की हेल्प से इन दोनों को निशानों को आपस में मिला दिया है ऐसे। तो अब हम इसकी कटाई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, जी मैंने सलवार की कटाई कर दी है ऐसे। जी हमारी सलवार की कटिंग हो जाएगी। फ्रेंड, इस सलवार में हम बेल्ट नहीं डालते, ना ही इसमें प्लीट डालते हैं। तो जहाँ पर हम इसमें इलास्टिक डालेंगे, तो ये इसलिए मैंने ये 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है जो हमने इलास्टिक इसमें डालनी है। तो फ्रेंड ये देखिए, ये हमारी सलवार की कटाई हो चुकी है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तानी सलवार की कटिंग करने के बारे में बताऊँगी। हम इसको स्ट्रेट सलवार भी बोलते हैं। आज हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड, इसके लिए यहाँ पर जी मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। तो ये 2.25 मीटर में भी बन जाती है, इसकी लेंथ के पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जी मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है। फ्रेंड्स, मैंने इस 2.5 मीटर कपड़े को इस तरह फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, ऐसे ये बंद वाली साइड मेरी वाली साइड है और ये इधर वाली खुली वाली साइड है। तो ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे मैं सारे कपड़े को ऐसे लंबाई ऐसे
बीच में इसे फोल्ड कर दूंगी। तो इसके बाद इसको मैं ऐसे फोल्ड कर लूंगी, ऐसे। ये देखिए, ये हमारी इस तरह से, ये ऐसे हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये दोनों तय हैं हमारे पास। हमने जो बंद वाली साइड है वो अपनी तरफ रखनी है, और जो खुली वाली साइड है उसको हमने बाहर वाली साइड रखना है, ऐसे। ये देखिए, ये मैंने पूरे कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, ऐसे फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स हम अपनी मार्किंग शुरू करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपने ऐसे कपड़े पर सीधी लाइन लगा लेनी है, इसको बिल्कुल सीधा रख कर लेना है। तो इसके बाद हम यहाँ पर 2 इंच जो हमने ऊपर फोल्डिंग के लिए रखना है उसका मार्क करते हैं, ऐसे। तो इसके बाद हमने जो अपनी लंबाई रखनी है उसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से अपनी जितनी भी सलवार की लंबाई रखनी है यहाँ से मैंने शुरू कर लिया है। ये जो ऊपर है 2 इंच मैंने फोल्डिंग के लिए रखा है। तो जहाँ से हम अपनी लंबाई जितनी हमें चाहिए उतनी मार्किंग कर लेंगे। मुझे 40 इंच लंबाई में सलवार तैयार चाहिए, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो आप भी अपनी सलवार की लंबाई के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई रख लीजिए। फ्रेंड्स, लंबाई की मार्किंग करने के बाद हमने आसन की मार्किंग करनी है। हमने इधर वाली साइड जो हमारी तरफ थी, इसके ऑपोजिट जो दूसरी साइड है वहाँ पर हमने ये आसन की काट डालनी है। यहाँ पर ये मैंने आसन की लंबाई 13.5 इंच ली है। तो 13.5 इंच जहाँ से लेकर हम जहाँ तक रख लेंगे, और इस तरफ ये मैंने 2 इंच लिया है हमारी जो आसन की काट डालने के लिए। तो ऐसे आप भी आसन की काट डाल लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम मोरी का निशान लगाएंगे। इस सलवार की मोरी थोड़ी खुली होती है, तो यहाँ पर ये मैंने 7 इंच मोरी ली है, 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। तो ऐसे आप ये मोरी का निशान लगा लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपने जो हमने मोरी का निशान लगाया था यहाँ पर, ये हमारी मोरी है, तो इस निशान से हमने इस निशान को आपस में मिला देना है। आपके पास अगर जी स्केल नहीं है तो ऐसे भी आप मिला सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने स्केल की हेल्प से इन दोनों को निशानों को आपस में मिला दिया है, ऐसे। तो अब हम इसकी कटाई करेंगे। जी देखिए फ्रेंड, जी मैंने सलवार की कटाई कर दी है, ऐसे जी हमारी सलवार की कटिंग हो जाएगी। फ्रेंड, इस सलवार में हम बेल्ट नहीं डालते, ना ही इसमें प्लीट डालते हैं। तो जहाँ पर हम इसमें इलास्टिक डालेंगे, तो ये इसलिए मैंने ये 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है जो हमने इलास्टिक इसमें डालनी है। तो फ्रेंड जी देखिए, ये हमारी सलवार की कटाई हो चुकी है। फ्रेंड्स, अब हम सलवार की सिलाई शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपने जो आसन है उनकी सिलाई लगानी है, दोनों आसनों को आपस में जोड़ देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपने जैसे हमने आसन की कटाई की थी उसी शेप में इसको सिलाई देनी है। फ्रेंड, ये देखिए, ये मैंने दोनों आसनों की सिलाई लगा ली है, ये देखिए। इसके बाद हम इसकी मोरी बनानी शुरू करेंगे। फ्रेंड, मोरी के लिए ये मैंने बुकरम तैयार कर ली है। तो जहाँ पर ये मैंने कटवर्क वाला डिज़ाइन बनाया है, आप चाहे तो सिंपल भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा। तो अब हम इसको मोरी के साथ अटैच करेंगे। इसके बाद फिर मैं जो हमारी गुलाई वाली है मार्किंग, इस पर मशीन चलाऊँगी। जी देखिए फ्रेंड, ये हमारा कटवर्क वाला मोरी का डिज़ाइन रेडी हो गया है, ऐसे। तो अब मैं इसको ऐसे सीधी साइड रखकर यहाँ पर सिलाई, एक दो सिलाइयाँ लगा दूँगी। तो इसके बाद हमारी मोरी डन हो जाएगी।
जी देखिए फ्रेंड जी, हमारा एक तरफ वाला मूरी का डिज़ाइन तैयार हो गया है। इसी तरह ही हम दूसरा साइड की मूरी का डिज़ाइन भी बना लेंगे। फ्रेंड जहाँ पर ये मैंने दोनों मूरी तैयार कर ली है, तो अब हम ऊपर लास्टिक डालेंगे। तो लास्टिक के लिए फ्रेंड्स आपने ऐसा करना है कि अगर आपकी हिप 35 इंच है, तो आप उससे 3 इंच कम 32 इंच लास्टिक डालेंगे। आपकी कमर का नाप 35 इंच है और आप 32 इंच इसमें लास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 35 इंच कमर के मुताबिक मैंने ये 32 इंच लास्टिक कट कर ली है। 33 इंच 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा कट किया है सिलाई के लिए। तो पहले हम लास्टिक को जोड़ लेंगे, इसके बाद हम लास्टिक को हमारे जो ऊपरी नेफा है उसमें डाल देंगे। फ्रेंड ये देखिए जी, मैंने ऐसे लास्टिक को जोड़ लगा लिया है। तो अब हम लास्टिक डालना शुरू करेंगे। लास्टिक डालने के लिए फ्रेंड्स आपने ऐसे लास्टिक को बीच में से ऐसे ऐसे कर लेना है, ऐसे ऐसे रख लेना है। और इसके बाद हम जहाँ से ऐसे इसको ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। फ्रेंड्स आपने ऐसे शुरू करना है और ऐसे लास्टिक रख कर ऐसे फोल्ड करते जाना है। और हमने लास्टिक पर सिलाई नहीं लगानी, ओनली कपड़े पर ही सिलाई लगानी है। ऐसे हम सिलाई लगाते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लास्टिक डाल ली है ऐसे। तो इसके बाद हमने सारे वलों को एक सर कर लेना है अपने ऐसे लास्टिक को खींच कर। तो इसके बाद हम लास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे बीच में। तो पहले आप अच्छी तरह से सारे जो वल है हमारे, तो इनको सेट कर लेना है, ऐसे खींच लेना है ज़ोर ज़ोर से लास्टिक को ऐसे। तो सारे वल सेट करके फिर हम लास्टिक के बीच में यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड जी, हमारी बीच वाली जो सिलाई हम लगा रहे थे लास्टिक पर, वो लग चुकी है। तो इसके बाद हम जो हमारी लास्ट सिलाई है सलवार की, वो लगाएंगे हम ये वाली सिलाई। यहाँ हमारी जो मूरी रखी है जितनी, वहाँ से हमने आसन तक ये सिलाई लगानी है। फ्रेंड जहाँ पर ये मैंने 7 इंच मूरी रख ली है, तो जहाँ से हम अपनी सिलाई शुरू करेंगे और आसन तक सिलाई लगा देंगे, तो दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही करेंगे। तो जहाँ पर मैं सिलाई लगाती हूँ फ्रेंड्स, मैंने एक तरफ वाली सिलाई लगा ली है। अब हम इसी तरह ही दूसरी तरफ वाली सिलाई भी लगा देंगे, जहाँ से शुरू करके ऐसे। फ्रेंड्स मैंने दोनों तरफ वाली सिलाई लगा ली है और सलवार को सीधा कर लिया है। तो इस तरीके से ये हमारी स्ट्रेट सलवार तैयार हो गई है, ये देखिए। फ्रेंड्स अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।